आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं अब की अहम खबर पर। सियासत का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। परसों की कुछ अखबारों में मैंने न्यूज पढ़ी कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी मिस्टर सुब्रमण्यम जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को ये कहा है, हुक्म दिया है कि सेक्रेटरी जो है अब मूव होने वाला है कश्मीर से, दोनों जगह फंक्शनल कैसे बनाया जा सकता है उसके लिए अपने अपने इनपुट्स दें। मैं उनके इस बयान का, इस भावना का स्वागत करता हूं कि आखिर एक गवर्नमेंट की तरफ से एक्सरसाइज शुरू हुई। इस बात की मुझे खुशी है कि एक तो मई महीने में इसी साल में ऑनरेबल चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी और उनके साथ रिस्पेक्टेड जजेस, उन्होंने मिलकर एक लंबा फैसला लिखा कि 148 साल पहले की ये प्रथा 1872 में महाराजा रणधीर सिंह जी के टाइम में ये शुरू हुई थी, अब पानी बड़ा बह चुका है। अब इस प्रथा को 148 साल के बाद भी चलाए रखना ऐसे लगता है कि कोई गवर्नमेंट नहीं रही, कोई सोचने वाला नहीं रहा। उस वक्त के हालात ये थे कि जम्मू से कश्मीर पहुंचना था, बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता, कई दिन लग जाते, और कश्मीर से जम्मू आने के लिए पीर पंजाल क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लग जाता था, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। आज कम्युनिकेशन सिस्टम का कोई मुकाबला नहीं, इसलिए हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट में मई महीने में एक क्लियर फैसला दिया कि ये वेस्टफुल एक्सरसाइज है, पैसा जो लोगों का जा रहा है, ये उनका खून पसीने का पैसा तबाह हो रहा है और ये बंद होना चाहिए, ये बहुत नुकसान हो रहा है स्टेट, और लोगों को 12 महीने गवर्नेंस नहीं मिल रही। तो डोगरा सदर सभा ने इसके पहले कई साल पहले का ये संघर्ष शुरू किया हुआ है कि भाई ये गलत है, हमारे पास दोनों कैपिटल्स में हैं, श्रीनगर के अंदर पूरा बिल्डिंग है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जम्मू में बना हुआ है, हमें कुछ नया नहीं बनाना, वहाँ का वहाँ फंक्शन करे, यहाँ का यहाँ फंक्शन करे। 12 महीने उन लोगों को सरकार मिले, 12 महीने पीर पंजाल के इस तरफ के लोगों को सरकार मिले, ये सिर्फ एक करने का। आज कोई देखिए, आप सब जानते हैं हर 6 महीने के बाद कितने दिन लगते हैं ट्रंक बंद करने को, लाखों फाइलें बंद होती हैं ट्रंकों में, कील लगते रहते हैं, वो यही मुलाजिम लगते, कोई गवर्नमेंट नहीं होती, और फिर 100 ज़्यादा ट्रकों में भरते हैं और यहाँ से ट्रक कार्रवाई चल पड़ती है, फिर ट्रंक वहाँ खुलते हैं, ये कौन सा तरीका है। और ट्रंक वहाँ खुलना शुरू होंगे और फिर यहाँ से मुलाजम 3000 के करीब, 30% जम्मू के हैं, 10,000 10,500 के करीब मुलाजम कश्मीर का है, उनके बच्चे उनकी फैमिलीज वो मूव करती, उनकी एजुकेशन धर्म भरम हो जाती है, और फिर जम्मू वाले जब वहाँ जाते हैं इनके लिए कोई जगह नहीं, होटलों से जैसे जेलों में मुलजम होते हैं ऐसे बसों में बंद करके सेक्टर में ले जाते हैं, सेक्टर से बस आकर होटल में उतार देते, ये हालत है स्टेट के। तो हमने ये मांग की थी कि 500 करोड़ तो डिस्क्लोज करते हैं कि हमारा लगता है यहाँ पर, लेकिन मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहा हूँ, ये सारे जो भूत बंगले हैं 6 महीने के बाद उनकी रेनोवेशन होती है, सैकड़ों करोड़ का खर्च होता है हर 6 महीने के बाद, कोई मतलब नहीं। और ये कह रहे हैं कि मुबारक मंडी हेरिटेज के लिए पैसा ही नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वो पैसा आप यहाँ के हेरिटेज, यहाँ के और कश्मीर के हेरिटेज पर लगाओ। आज मुबारक मंडी आप इतना पैसा खर्च करो एक ही साल मूवमेंट बंद करके सेक्रेटरी की, मैं आपको कह दूं कि वहाँ लाइट एंड साउंड प्रोग्राम चल रहा हो और वहाँ पर 1 करोड़ यात्रु जहाँ आता है रात को दिन को चहल पहल जम्मू शहर के अंदर होगी, क्या कहते हैं बिजनेस खराब होगा जी, कौन सा बिजनेस खराब हो, अगर यहाँ पर ये मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू, यहाँ की कहानी सामने आ जाए, आप जरा टीटियाँ देखो इस मुबारक मंडी के अंदर, जाओ आर्काइव के अंदर, एक एक चिशूल की टीटी पड़ी है जहाँ चाइना क्लेम कर रहा है हमारे हज़ारों डोगरों ने गले कटाए थे वहाँ, और फिर टीटी उसे चाइना गया, वो पढ़ो, आज लाहौर की टीटी वहाँ पड़ी है आर्काइव के अंदर, आज अमृतसर की टीटी वहाँ पड़ी है, ये चीज़ें यहाँ पर हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, ये खोल दो लोगों के लिए, म्यूजियम खोल दो लोगों के लिए, फिर पता लगेगा कि स्टेट कैसे बने, वो लगो।
और हमारी जड़ें खत्म हो रही हैं, इसलिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय मनोज सिन्हा जी को कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी मौका मिलता है कुछ करने का, ये 148 साल की फजूल की, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि वेस्टलेस एक्सरसाइज, टोटली यूजलेस एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज को ख़त्म करो, आपके निशान बनेंगे। और पॉलिटिशनों को मैं कहना चाहता हूँ, खासकर जम्मू के पॉलिटिशनों को, देखो लद्दाख के सारे पीपल्स मूवमेंट बना के एक स्टेज पर बैठ गए, वो कहते हैं हमें अपनी शनाख्त चाहिए।